Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to others. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mobushar Iqbal Chohan, Advocate High Court and Legal Lecturer. Series of Legal Lectures ke andar hamara aaj ka subject CrPC, hamara topic ya question. ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने ट्रायल कैसे किया जा सकता है, किस तरह से करवाया जा सकता है, ऐसे कौन कौन से ट्रायल हैं जो मजिस्ट्रेट के सामने हो सकते हैं और कौन कौन से ट्रायल मजिस्ट्रेट के सामने नहीं हो सकते। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें ताकि मेरे फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एसएस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिलते रहे। मजीद बरा मैं अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां पर आप जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, कोई हर्जाना मुआवजा नहीं है। साथ में मैं अपने कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक भी दे दूंगा और उसके साथ में अपने फर्दर जो सोशल मीडिया के मेरे पेजेस हैं फेसबुक इंस्टाग्राम उनके लिंक्स भी दे दूंगा, चूँकि वहाँ पर भी मैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ और वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। सेकेंडली मेरे लेक्चर्स की जो फीस है उसको पे करना ना भूलें, ये आपके लिए सोसाइटी माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है, इनफैक्ट आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। एक वक्त आएगा हर वो शख्स हर वो स्टूडेंट हर वो इंसान जो मेरी फीस पे करता है वो इस चीज़ को एडमिट करेगा कि मैंने बहुत थोड़ी चीज़ के इवज बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कितनी फ़ायदेमंद है, अगर मैं सिर्फ इस फीस के ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दूँ तो बिलीव मी कई घंटे कई दिन कई हफ्ते गुजर जाए, जो इनके इफ़ेक्ट्स हैं जो इनके बेनिफिट्स हैं वो आप कभी भी नहीं आप तक मैं पहुँचा पाऊँगा जिस तरह से इनके इफ़ेक्ट्स हैं, जो इनकी एग्जिस्टेंसी है, जो इनके बेनिफिट्स हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताता चलूँ, इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो मेरी फ़ीस को ज़रूर पे किया करें। मेरी फ़ीस कुछ यूँ है, फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये आपने डोनेट करने हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। कोई मांग रहा है नहीं मांग रहा, कोई गरीब है बुरा है रेडी वाला है कुछ बेच रहा है उससे कुछ आपने सामान लिया तो उसको 10 रुपये आप अजाफी दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मायने खेस होंगे। सेकेंड स्टेप मेरी फ़ी का, कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है, हेल्प आप जितनी भी इजीली कर सकें, किसी को मुस्कुरा कर मिल लें, किसी के पास चंद मिनट बैठ जाएं, किसी के दुख सुन लें, ये भी उसकी हेल्प के लिए काफ़ी है। ज़्यादा अगर आप नहीं को ढूंढ सकते कोई नहीं आपको मिल सकता तो अपने पेरेंट्स के पास बैठ जाएं, चंद मिनट उनको दे दें उनकी बातें सुन लें, तो ये भी मेरी फ़ीस की हेल्प के लिए काफ़ी है, लेकिन कम से कम 2 लोग तो पेरेंट्स के अंदर आपके मामा बाबा 2 लोग आ जाते हैं। थर्ड स्टेप मेरी फ़ीस का, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट या प्रोसीजर ऑफ ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट एक बेसिक कोर्ट है, एक बुनियादी कोर्ट है लॉ की, जहां से किसी भी चीज का इनिशिएट लिया जाता है, लेकिन मजिस्ट्रेट की भी डिवाइडेशन है, मजिस्ट्रेट की भी क्लासेज है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट, थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट और एक और मजिस्ट्रेट होता है जिसके पास सेक्शन 30 CRPC के इख्तियार होते हैं और वो काफ़ी हद तक बड़े बड़े केसेस भी सुन सकता है, बाकी मजिस्ट्रेट जो है वो नहीं सुन सकते। या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जिसके पास सेक्शन 30 के इख्तियार नहीं है वो भी वो बड़ी नोयत के केसेस को नहीं सुन सकता। तो मजिस्ट्रेट की डिवाइडेशन है और ये बेसिक ट्रायल है। अगर आप प्रैक्टिस के अंदर आप आना चाहते हैं स्पेशली क्रिमिनल प्रैक्टिस के अंदर तो आपको मजिस्ट्रेट का ट्रायल जो है इसके ऊपर मजबूती से ग्रिप का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बेसिक ट्रायल है और इसके अंदर आप तमाम चीज़ों को समझते हो तमाम चीज़ों को जानते हो, तो मैं कोशिश करूंगा इसके तमाम एंगल से आपको समझा सकूं डिस्कस कर सकूं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। प्रोसीजर ऑफ मजिस्ट्रेट ट्रायल, इसका जो प्रोसीजर है या रिलाय सेक्शन CRPC मजिस्ट्रेट के ट्रायल का वो है 241 से 245 तक इसका रिलाय सेक्शन है जो डील करता है मजिस्ट्रेट के ट्रायल से। सबसे पहले टू प्रोसीजर टू बी ऑब्जर्व मजिस्ट्रेट ऑफ ट्रायल ऑफ क्लासेस इन अस अंडर, मजिस्ट्रेट का जो प्रोसीजर है वो क्या ऑब्जर्व करता है क्या अडॉप्ट करता है। अगर मजिस्ट्रेट के पास कोई ट्रायल आता है तो इनिशियली वो जो अक्यूज है उसको तमाम डॉक्यूमेंट्स तमाम वो इल्ज़ाम जो उसके खिलाफ लगाए गए हैं जो उसके खिलाफ बनाए गए हैं उनको अक्यूज तक फरहमी देगा, अक्यूज को मुलजम को वो जो एविडेंस हैं विटनेस हैं वो जो इल्ज़ाम है वो उनको फरहम करेगा कि आपके खिलाफ ये इल्ज़ाम आया है कि आपने ये जुर्म किया है या आपने ये ज्यादती की है उस शख्स के खिलाफ और ये एविडेंस है ये विटनेस है, ताकि आप इनका बेहतर और मौसर डिफेंस कर सकें अपनी फेवर में। सेकंड फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, प्रेजेंस ऑफ अक्यूज, अक्यूज की मौजूदगी में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के ऊपर मैं एक इंडिपेंडेंट लेक्चर भी बनाऊंगा,
ये एक बहुत बड़ा अथॉरिटी टॉपिक है। तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का इन शॉर्ट मतलब है कि जो इल्जाम प्रोसिक्यूशन की तरफ से या कंप्लेनेंट की तरफ से लगाए गए हैं मुलजम के ऊपर, वो उसके सामने उसके ऊपर लगाना, आपके ऊपर ये इल्जाम लगा है, ये इल्जाम लगा है, ये इल्जाम लगा है, इस तरीके का इल्जाम है, इस नोयत का, तो मुलजम के सामने उनको दोहराना और उनको लिखना, जो चार्ज शीट है उसको तैयार करना। कन्विक्शन ऑफ अक्यूज इन बेसिस ऑफ एडमिशन और कन्फेशन ट्रूथ ऑफ एक्यूजेशन, अगर जो अक्यूज है वो एडमिट कर लेता है अपने गुनाह का, कन्फेशन कर लेता है, तो उसी की बुनियाद के ऊपर जो मजिस्ट्रेट है उसको सजा भी सुना सकता है। प्रोसेस व्हेन अक्यूज डज नॉट प्लीड गिल्टी, अगर जो अक्यूज है वो प्लीड गिल्टी नहीं है, वो गिल्टी नहीं होता या नहीं मानता कि मैं जो है गुनहगार हूँ, तो फिर आगे फर्दर प्रोसेस अडॉप्ट करेगा मजिस्ट्रेट साहब, एविडेंस आएंगी, विटनेस आएंगे, तो उनको आगे फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। नेक्स्ट प्रोसीजर है एविडेंस का, उसके बाद है इक्विटल और सेंटेंस, उसके बाद है इक्विटल और सेंटेंस, बरी कर देगा या उसको सजा देगा एविडेंस को देखते हुए, गवाहान को मद्देनजर रखते हुए, उनकी एविडेंस को रिलायबिलिटी को देखते हुए। तो ये प्रोसीजर जनरली मजिस्ट्रेट अडॉप्ट करता है। केसेज ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट, कौन कौन से केसेज ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 190 All magistrate of first class or any other magistrate especially empowered by the provincial government of recommendation high court may take cognizance of any offence. सभी magistrate tribal हैं, वो try कर सकते हैं, case को सुन सकते हैं, या first class या ऐसे magistrate जिनको special order दिए जाते हैं section 30 के इख्तियार। section 30 के इख्तियार क्या है वो भी मैं आज आपको बताता चलता हूँ, अक्सर उसका जिक्र होता है section 30 क्या चीज़ है। section 30 CRPC का एक section है जिसके तहत magistrate को इख्तियार deliver किए जाते हैं, वो कुछ यूँ है। Offence not punishable with death, notwithstanding anything contained the section 28-29, the provincial government may invest any magistrate of the first class with power to try a magistrate all offence not punishable with death. यानी कि section 30 का जो magistrate है ये section 30 के तहत जो इख्तियार deliver किए जाते हैं first class magistrate को, वो ये है कि वो magistrate ऐसे जुराम जिनकी सजा मौत है, फांसी है, उनके अलावा हर वो जुर्म सुन सकते हैं जो नॉट पनिशेबल विद डेथ है, जिसकी सजा मौत नहीं है, फांसी नहीं है, उसके अलावा जितने भी जुराइम है, चाहे हीनियस ऑफेंस है, जैसे भी ऑफेंस है, यानी कि हर वो ऑफेंस जिसकी सजा के अंदर फांसी, डेथ नहीं लिखा होगा, उनके अलावा तमाम जुराइम के केसेस जो है वो मजिस्ट्रेट सुन सकता है, और वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा और उसको सेक्शन 30 के डायरेक्टली इख्तियार दिए जाएंगे, या हाईकोर्ट की तरफ से या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये दो इंस्टीट्यूशन को इख्तियार है, हाईकोर्ट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, कि वो किसी भी मजिस्ट्रेट को, जो किसी भी मजिस्ट्रेट से मुराद दिए नहीं कि सेकंड, थर्ड, फर्स्ट क्लास, सिर्फ फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट होगा उसको सेक्शन 30 के जो इख्तियार है वो डिलीवर किए जाएंगे। उस दौरान वो कत्ल, ऐसे केसेज जिनकी सजा जो है वो फांसी है या मौत है, उनके अलावा बाकी तमाम जुराइम जिनकी सजा एक दिन या एक रुपए से लेकर, यानी कि मौत नहीं, मौत तक है सजा, वो तमाम जुराइम सुन सकते हैं, लेकिन ऐसे जुराइम नहीं सुन सकते जिनकी सजा पनिशेबल विद डेथ है, जिनकी सजा मौत है, फांसी है, उनके अलावा बाकी तमाम जुराइम वो सुन सकते हैं, उन केसेस को वो सुन सकते हैं। अच्छा, केस ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट ऑन कंप्लेंट विच कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट, जो कंप्लेन मजिस्ट्रेट साहब के पास आती है, कोई इन पर्सन, कोई प्राइवेट पर्सन एक कंप्लेन लिखता है, एक दरख्वास्त, एक एप्लीकेशन लिखता है मजिस्ट्रेट। अच्छा, कंप्लेन पर एक चीज आपको बताता चलूं कि हर वो जुर्म जो पीपीसी के अंदर नहीं है, हर वो जुर्म जो पीपीसी के अंदर नहीं है, पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर नहीं है, आप उसकी कंप्लेन मजिस्ट्रेट के पास कर सकते हो, ये इख्तियार मजिस्ट्रेट के पास है। फॉर एग्जांपल जिना, ये पीपीसी के अंदर एज इट इज मेंशन नहीं है, उसके अलावा कजफ या कोई और जो जुराम है, या कोई ऐसा जुर्म जो पीपीसी की डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करता, तो उसके लिए आप डायरेक्टली कंप्लेन लिखेंगे, एक दरख्वास्त लिखेंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे, जिसको मजिस्ट्रेट के पास एज ए कंप्लेनेंट आप सबमिट करवाएंगे, तो मजिस्ट्रेट साहब उसके ऊपर ऐसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे कि एक पीपीसी के किसी सेक्शन के ऊपर प्रोसीड किया जाता है। तो ऐसी सूरत में कोई भी ऐसा जुर्म जो पीपीसी के अंदर नहीं है, आप उसकी कंप्लेन मजिस्ट्रेट साहब के पास करवा सकते हैं और उस केस को वहां से आगे आप फर्दर प्रोसीड करवा सकते हैं। ऑन कंप्लेन, अगर कोई कंप्लेन आती है किसी प्राइवेट पर्सन के थ्रू, अगर वो प्राइवेट पर्सन किसी कंप्लेन को लिखकर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करता है, On receipt of police officer concerning an incident which constitute any offence tribal by magistrate, कोई पुलिस ऑफिसर किसी हादसे की वाकये की रिपोर्ट लिखकर मजिस्ट्रेट को पेश करता है, तो उसको भी वो ट्राइबल कर सकते हैं। ट्राइबल मतलब उस केस को आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, उस केस को चला सकते हैं। On receipt of complaint from any person other than the police officer mentioned, पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई और पर्सन, किसी अदारे का शख्स, किसी और इंटेलिजेंस ब्यूरो का, IB का, NAB का, कोई भी और शख्स भी कंप्लेन लिखकर मजिस्ट्रेट साहब के सामने जाकर उसको आगे फर्दर प्रोसीड करवा सकता है।
ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल नॉलेज और रीजन टू बिलीव ऑफ कंसर्न मजिस्ट्रेट साहब अपने पर्सनल नॉलेज के थ्रू, अपने बिलीव के थ्रू भी किसी भी केस को फर्दर प्रोसीड करवा सकते हैं। लाइक मजिस्ट्रेट साहब को लगा कि ये काम हुआ है या इस शख्स ने जुर्म किया है या इन अशख़ास ने आपस में लड़ाई की हो, उन्होंने पर्सनली देखा हो या उनके पर्सनल नॉलेज में आया हो, उनके कोर्ट का कोई ऑफिसर उनके नॉलेज के अंदर चीज़ लेकर आया कि जी फलां शख्स ने जुर्म किया है या फलां शख्स ने इस तरह का काम कमिट किया, तो इसके ऊपर भी मजिस्ट्रेट साहब जो अपने पर्सनल नॉलेज के बिहाफ के ऊपर भी केस को फर्दर प्रोसीड करवा सकते हैं, जिसको हम सो मोटो भी आम जुबान के अंदर कहते हैं। लेकिन सो मोटो का जो वर्ड है वो स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट के लिए यूज किया जाता है, लोअर कोर्ट्स के लिए वो यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट हेडिंग है जी ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 190 का जो सेक्शन है इसका ऑब्जेक्ट क्या है। द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 190 इज टू फुल इम्पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू ट्राई केसेस इंस्टीट्यूट ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेन और पुलिस रिपोर्ट और हिज ऑन नॉलेज डेट ही मे ट्राई केस ऑन अकाउंट ऑफ वर्बल और रिटन इन्फॉर्मेशन ही शुड इमीडिएटली टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस व्हेन एवर इट्स कमीशन कम्स टू हिज नोटिस। किसी भी जुर्म के ऊपर मजिस्ट्रेट साहब जो है वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, उसको ट्राइबल ऑफेंस करार दे सकते हैं, उसको ट्राई कर सकते हैं जो उनकी इन्फॉर्मेशन के अंदर आता है, जो उनकी जुरिस्डिक्शन में आता है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आता है, और वो उस केस को सुन सकते हैं इन रिटन इन्फॉर्मेशन, वर्बल इन्फॉर्मेशन, किसी भी सेंस के अंदर। प्रोसीडिंग ऑन पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट के ऊपर कैसे प्रोसीड कर सकते हैं अंडर सेक्शन 190। मजिस्ट्रेट कैन नॉट ट्राई अ केस विच हैज नेदर बीन ब्रॉट टू हिज नोटिस बाई अ कंप्लेन और पुलिस रिपोर्ट। अंडर सेक्शन 190 के तहत मजिस्ट्रेट साहब खुद से कोई ऐसी ट्राइबल ऑफेंस नहीं कर सकते जो उनके नोटिस में नहीं लाया गया हो, किसी कंप्लेन के थ्रू या किसी पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट के थ्रू। देयरफॉर अ मजिस्ट्रेट इज अथोराइज टू ट्राई अ केस ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेन ऑफ पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट के ऊपर या कंप्लेन की बेस के ऊपर वो ऑफेंस को ट्राई कर सकते हैं, किसी भी केस को ट्राइबल करार दे सकते हैं। बट इन एक्सेप्शन, अगर फर्दर इसकी एक्सेप्शन है, अ मजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड टू बाई पुलिस रिपोर्ट एंड कंप्लेन एटसेट्रा, ही मे डायरेक्ट द पुलिस ऑफिसर टू प्रिपेयर एंड सबमिट अ फ्रेश चलान इवन इफ इन्वेस्टिगेशन ब्रांच रिपोर्टेड दैट रेलेवेंट फैक्ट डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अगेंस्ट द अक्यूज। मजिस्ट्रेट साहब अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल बिहाफ के ऊपर, पर्सनल नॉलेज के ऊपर भी किसी भी पुलिस वाले को ये डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप ये फ्रेश चलान सबमिट करवाएं, बेशक किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, किसी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने ये कहा हो कि जी ये फैक्ट या ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ये मामला एग्जिस्ट नहीं करता अक्यूज के खिलाफ या उसके फेवर में, तो मजिस्ट्रेट साहब इन पर्सन अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी पुलिस वालों को डायरेक्शन दे सकते हैं। रिक्विजिट ऑफ रिटन कंप्लेंट, इसेंशियल एलिमेंट्स इसके क्या है, रिटन कंप्लेंट कैसी होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 20 ऑफ सेक्शन 241, इन ऑल दोज केसेस विच आर इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ कंप्लेंट सबमिटेड बाई द कंप्लेंट इन राइटिंग, द कंप्लेंट शैल स्टेट द सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन, बिल्कुल साफ खुली क्लियर अल्फाजों के अंदर हो और अक्यूज के बारे में जो लिखा हुआ है वो क्लैरिटी के साथ लिखा हो, ये उसके अंदर कोई कमी कोताही ना हो, उसके अंदर कोई ऐसा डाउट ना हो, डाउटफुल ना हो, मतलब कि अक्यूज का मेंशन भी किया हुआ और नहीं भी किया हुआ, उसके अगेंस्ट भी बात और फेवर में भी, तो क्लैरिटी के साथ मेंशन किया गया कंप्लेंट के अंदर जो कुछ भी लिखा गया। सप्लाई द नेम ऑफ हिज एविडेंस, अपने जो विटनेस है, जो अपनी एविडेंस है, उनके नाम उसने फरहाम किए और आगे फर्दर भी पेश करेगा कोर्ट के अंदर, ये उसने प्रॉमिस किया हो। मेंशन अ गेस्ट ऑफ एविडेंस विच ही इज गोइंग टू प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग द ट्रायल कमेंस ऑन हिज कंप्लेंट, उसने मेंशन किया कि वो अपनी जो एविडेंस है, विटनेस है, उनको मजिस्ट्रेट साहब के सामने इन ट्रायल पेश करेगा, फरहाम करेगा। रिटर्न विद इन 3 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पास इन हिज बिहाफ, फाइल एज मैनी कॉपीज ऑफ द कंप्लेंट एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स फाइल विद द कंप्लेंट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ अक्यूज। 3 दिन के अंदर अंदर जितने भी कंप्लेन आई हैं उनकी कॉपीज करवा के, जितने भी अक्यूज हैं एक या एक से ज्यादा, उन तमाम को फरहाम की जाएगी, उनको मुहैया की जाएगी ताकि वो उसको पढ़ सके, समझ सके और उसके ऊपर अपना बेहतर डिफेंस कर सके, उसके ऊपर अपना बेहतर डिफेंस कर सके। एक्सेप्शन, अब ऊपर जो बात कहेगी उसकी एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर को अदारे का सरबराह, लाइक व्हेन अ कंप्लेंट हैज बीन मेड बाय द कोर्ट और पब्लिक ऑफिसर हु इज एक्टिंग इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज असाइन टू हिम अंडर द लॉ, अगर कोर्ट या कोई पब्लिक ऑफिसर जो है, पुलिस या किसी अदारे का सरबराह, वो अपनी लीगल ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर रहा है, उनको एक्ट कर रहा है, उनको डन कर रहा है, तो वो इन चीज़ों से एग्जेम्प्ट है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शैल नॉट बी मेंशन इन द कंप्लेंट, वो जरूरी नहीं कि वो ये कंप्लेंट के अंदर इन्फॉर्मेशन लिखे, यानी कि अगर कोर्ट का कोई शख्स, पुलिस ऑफिसर, कोई अदारे का शख्स कंप्लेन देता है तो वो ये चीज़ें जो ऊपर बताई गई हैं कंप्लेनर के लिए, प्राइवेट पर्सन के लिए, उनका लिखना जरूरी नहीं है अगर कोई कोर्ट पर्सन या कोई पुलिस ऑफिसर कंप्लेन करता है। सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन, द नेम ऑफ रेलिवेंट विटनेस, ये इन चीज़ों को वो लिखेगा लाजमी नहीं, बट प्रोवाइड करेगा, कंप्लेन के अंदर लिखना जरूरी नहीं है, इन ट्रायल वो इन चीज़ों को मुहैया करेगा, लेकिन आम पर्सन के लिए कंप्लेन के अंदर भी इन चीज़ों का लिखना जरूरी है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज, चार्ज को फ्रेम करना, चार्ज फ्रेम करने के ऊपर मैं एक इंडिपेंडेंट थ्योरेटिकली और वाइडली लेक्चर भी बनाऊंगा ताकि ये चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट
टॉपिक है, एक ऐसे समझ लें कि जो कोई भी क्रिमिनल केस है उसकी रीढ़ की हड्डी होता है चार्ज। अगर चार्ज ही गलत हो जाए, चार्ज ही सही ना रहे, या चार्ज के अंदर कोई कमी कोताही हो जाए, तो बेजा या तो अक्यूज को फायदा मिल जाता है या बहुत ज्यादा कंप्लेनेंट को नुकसान हो जाता है, या बहुत ज्यादा अक्यूज को नुकसान हो जाता है और बेजा कंप्लेनेंट को फायदा मिल जाता है। तो चार्ज एक रीढ़ की हड्डी साबित होती है किसी भी केस के अंदर। तो इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपना एक थॉरली लेक्चर बनाऊंगा ताकि चार्ज के तमाम इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को समझा जा सके। हेडिंग के अंदर, हेडिंग के तौर के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा रेफरेंस देता चलो, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज प्रेजेंस ऑफ अक्यूज, जो चार्ज है वो अक्यूज की मौजूदगी के अंदर फ्रेम होगा, अब्सेंस ऑफ अक्यूज चार्ज फ्रेम नहीं हो सकता। हाँ, अगर अब्सेंस ऑफ अक्यूज चार्ज फ्रेम होगा तो वो एक तरफा प्रोसीडिंग होगी, वो गैर जानबदार, वो न्यूट्रल जो प्रोसीडिंग है वो नहीं कहलाएगी। अंडर सेक्शन 242 द मजिस्ट्रेट इज बाउंड टू इंश्योर प्रेजेंस ऑफ अक्यूज बिफोर ही प्रोसीड टू फ्रेम ऑफ चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल अवेलेबल बिफोर हिम। When the accused appear before him, the magistrate shall frame formal charge or charge strictly pertaining to the offence he is being tried. Then the accused shall be asked as to whether he admit that he has committed the offence he has been charged with on the basis of police report or written complaint submitted by the complainant. जज साहब कोर्ट में अपनी चेयर के ऊपर बैठे होंगे, अब मैं आपको चार्ज का तरीका बताता चलो थोड़ा सा। जज साहब अपनी चेयर के ऊपर बैठे होंगे, उनके लेफ्ट साइड पर जो दिल वाली साइड है, अच्छा एक और चीज है, एथिक ऑफ द कोर्ट के ऊपर भी हम बहुत जल्द लेक्चर अपलोड करेंगे जो नए स्टूडेंट्स नए कमर आते हैं उनके लिए, कि आपने सिविल कोर्ट के अंदर किस जगह के ऊपर स्टैंड करना है, खड़े होना है, अगर आप केस को डिफेंड कर रहे हैं या अगर आप मदई की बिहाफ के ऊपर है तो आपने कोर्ट के किस तरफ खड़े होना है, और अगर आप डिफेंस काउंसिल की या डिफेंडेंट की बिहाफ के ऊपर है तो आपने किस तरफ खड़े होना है, और इन क्रिमिनल केस अगर आप कंप्लेनेंट हैं कंप्लेनेंट की साइड के ऊपर तो कहां पर खड़े हो, काउंसिल की साइड के ऊपर तो कहां पर खड़े होना है, और हाई कोर्ट में अगर आप अपीलेंट है तो कहां पर खड़े होना है, अगर आप डिफेंस काउंसिल है रिस्पॉन्डेंट है तो आपने कहां पर खड़े होना है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने किस जगह पर खड़े होना है, कैसे, तो इन तमाम चीजों के ऊपर एनवायरमेंट ऑफ कोर्ट, एथिक ऑफ कोर्ट के ऊपर भी हम बहुत जल्द लेक्चर अपलोड करेंगे। तो फ्रेम के ऊपर ही हम रहते हैं अभी फिलहाल, टाइम बहुत हो जाएगा। तो जैसे आप अपनी चेयर के ऊपर बैठे हैं, उनके लेफ्ट साइड के ऊपर जो दिल वाली साइड है उसके ऊपर अक्यूज खड़ा होगा, और उनका जो राइट साइड है वहां पर जो मदई पार्टी है या जो विक्टिम पार्टी है या जो अग्रीव्ड पार्टी है वो खड़ी होगी। और जैसा दोनों काउंसल्स की बिहाफ के ऊपर, दोनों काउंसल्स के सामने अक्यूज से पूछे कि आपके ऊपर सकता है, आपके ऊपर हर्ट का, थेफ्ट का, रॉबरी का, एक्सटॉर्शन का, कोई और पब्लिक नोइसेंस का केस आपके ऊपर शख्स ने फाइल किया है, कंप्लेंट दी है, क्या आप इसको एडमिट करते हैं? अगर एडमिट वो कर ले तो डेट मीन्स उसने कन्फेशन कर लिया, उसने अपने उस फैक्ट उसको एडमिट कर लिया, कन्फेशन कर लिया, कन्फेशन कर लिया तो उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया, तो मजिस्ट्रेट चाहे तो वहीं पर भी सजा सुना सकता है। अगर वो कहे कि नहीं मैं इसको एडमिट नहीं करता, ये मेरे पे इल्जाम है, बेबुनियाद है, झूठा इल्जाम है वगैरह वगैरह, जो जनरली मुलजमान कोर्ट के अंदर करते हैं या उनके वकला साहबान उनको बताते हैं कि आपने इस तरह से कोर्ट के अंदर फर्दर प्रोसीड करना है, तो इस सूरत में जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो प्रोसिक्यूशन को, जो कंप्लेनेंट है उनको ये हुक्म देते हैं कि आप फर्दर अपनी एविडेंस लेकर आए और इस केस को प्रूव करें, तो फिर इस केस को आगे फर्दर प्रोसीड किया जाता है। कन्विक्शन ऑफ द अक्यूज ऑन द एडमिशन ऑफ ट्रूथ ऑफ एक्यूजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेक्शन 243 के तहत मजिस्ट्रेट बाउंड है कि उस तमाम चीज को इन राइटिंग लेकर आए, और अगर मुलजम अपना कन्फेशन करता है, मुलजम अपना कन्फेशन करता है तो उस कन्फेशन को इन राइटिंग लेकर आए और फिर उसको बताए कि आपने ये कन्फेशन किया है कि मैं इस जुर्म को एडमिट करता हूं, मैं इस जुर्म को मानता हूं, ये जुर्म मैंने किया है, और ये कन्फेशन आपकी फेवर में नहीं जाएगा, ये आपके खिलाफ जाएगा, इससे आपको सजा हो सकती है, आपकी जिंदगी स्पॉइल हो सकती है, आपका कारोबार डिस्टर्ब हो सकता है, आपकी लाइफ खत्म हो सकती है, तो ना सिर्फ उसको बताएगा बल्कि उसको उसके कॉन्सिक्वेंस भी समझाएगा कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप कन्फेशन करें, ना ही आपके ऊपर लॉ आपको रिस्ट्रिक्ट करवाता है कि आप कन्फेशन करें, आप चाहे तो कन्फेशन को रिवर्ट भी कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं, इसका नुकसान तो आपको बहुत होंगे, इसका आपको बहुत ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी। तो इस तरह से मजिस्ट्रेट साहब उस कन्फेशन के तमाम कॉन्सिक्वेंस भी बताएंगे उस मुलजम को कि इसके क्या क्या नुकसान है, क्या क्या इसके फायदे हैं, ये टोटल आपके खिलाफ जा सकता है, इससे आपको सजा होगी। तो आपके ऊपर जरूरी नहीं है कि आप इसको एडमिट करें या इस कन्फेशन को माने, कंप्लेनर जो है वो मजीद एविडेंस लेकर आए, हो सकता है उसकी एविडेंस पुअर हो, उसकी एविडेंस वीक हो, वो कमजोर साबित हो सकती है, तो लिहाजा अगर आप चाहते तो आप अपने कन्फेशन को वापस अभी ले सकते हैं, अगर नहीं लेते तो फिर मैं आगे फर्दर प्रोसीड करूंगा। इसके बाद भी अगर मुलजम कहे कि नहीं आई एडमिट, मैंने ये किया है, मुझे इसके ऊपर कोई रिग्रेट नहीं है, पछतावा नहीं है, या पछतावा है, या जो भी वर्ड्स एवर वो कहता है, तो इसके बाद मजिस्ट्रेट साहब उसको सजा दे सकते हैं, सेंटेंस अवार्ड कर सकते हैं। प्रोसेस व्हेन द अक्यूज्ड डज नॉट प्लीड गिल्टी, अगर जो अक्यूज है वो अपनी गलती को नहीं मानता, तस्लीम नहीं करता, कन्फेशन नहीं करता, देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 244 व्हेन अक्यूज्ड हैज बीन फॉर्मली चार्ज्ड द अक्यूज्ड डज नॉट प्लीड हिमसेल्फ गिल्टी, मजिस्ट्रेट इज बाउंड टू प्रोसीड फर्दर विद ट्रायल अंडर दिस सेक्शन। जो
सीआरपीसी कहती है, फिर उसके तहत अगर मुलजम इनकार करता है कि मैंने जुर्म नहीं किया, मेरे ऊपर इल्जाम है, बेबुनियाद है, बिला वजह लगाया गया, तो फिर मजिस्ट्रेट साहब उस केस को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। When admission of guilty has not been made, जब admission of guilty नहीं बनता, अपना जुर्म को मानने का admission नहीं बनता, तो when admission of guilty has not been made of accused, the magistrate is bound to afford hearing of complaint. He shall take all evidence which may be produced in support of prosecution. The magistrates shall also hear the accused and take into consideration the witness which may produce in his defence. मजिस्ट्रेट साहब केस को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, कंप्लेनेंट को बोलेंगे कि आप अपने एविडेंस लेकर आए, अपनी गवाही लेकर आए, उनको सुना जाएगा। गवाहान के ऊपर चीफ एग्जामिनेशन होगा। जब काउंसिल अपने गवाह को पेश करती है, लाइक मैं बीइंग एडवोकेट अपने गवाह को जब कोर्ट में पेश करता हूं, तो मैं उसको बताता हूं कि जैसे आपको बताएं आपने क्या देखा उस वक्त, तो वो जो है वो चीफ एग्जामिनेशन कहलाएगा। जब मेरे ही गवाह के ऊपर मेरी अपोजिट काउंसिल, मेरी रिस्पेक्टेड अपोजिट काउंसिल, दूसरे वकील साहब उसके ऊपर बहस करेंगे, उससे पूछगछ करेंगे, उसको उससे सवालों जवाब करेंगे, तो वो कहलाएगा मेरे गवाह से जब वो सवालों जवाब करेंगे तो वो कहलाएगा क्रॉस एग्जामिनेशन। और उसी गवाह से जब दोबारा से बुलवाया जाएगा सवालों जवाब करने के लिए, या कोई चीज रह गई हो मैं उसको बुलवाऊं, मेरी अपोजिट रिस्पेक्टेड काउंसिल उसको बुलवाए, तो वो कहलाएगा री एग्जामिनेशन। तो कंप्लेनेंट के गवाहान आएंगे, एविडेंस आएगी, उनके ऊपर एग्जामिनेशन होगा, चीफ एग्जामिनेशन होगा, री एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद अगर डिफेंस काउंसिल चाहे तो वो अपने गवाह भी पेश कर सकते हैं। सिर्फ गवाह कंप्लेनेंट के नहीं होंगे, प्रोसिक्यूशन के नहीं होंगे, डिफेंस काउंसिल के, मुलजम भी चाहे तो अपनी फेवर में गवाहान को ला सकता है, कोर्ट भी चाहे तो कोर्ट विटनेस बुलवा सकती है। तो उसके बाद जैसा दोनों के गवाहान को देखकर, मुलजम को भी सुनकर, मदई पार्टी को भी सुनकर, फिर जिसकी गवाहान की अथेंटिसिटी रिलायबल होगी, प्योरिटी बेस के ऊपर होगी, उसकी फेवर के अंदर जो है वो सजा या जजा की जजमेंट को पास करेंगे। उसके बाद इक्विटल, अगर गवाहान प्रोसिक्यूशन इतने अच्छे, इतने प्रूफ केस को नहीं कर पाती, इतने बेहतर गवाह नहीं ला पाती, उनकी एविडेंस विटनेस का मियार जो है वो पुअर है, तो अक्यूज को इक्विटल कर दिया जाएगा, बरी कर दिया जाएगा, उस इल्ज़ाम से बरी कर दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। सेंटेंस अगर प्रोसिक्यूशन के इल्ज़ाम के साथ साथ उनके विटनेस भी मजबूत है, एविडेंस भी मजबूत है, वो केस को बेहतर तरीके से प्रूफ करते हैं, तो सेंटेंस रिगार्ड की जाएगी, अवार्ड की जाएगी, सजा दी जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग है जी, प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरी वीडियोस को अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।